उत्तराखंड में प्रियंका ने भी हुंकार भरी। सीएम धामी की सीट खटीमा में प्रियंका ने हमलों की बौछार लगा दी। आपके सामने आकर क्या कहते हैं, धर्म की बात करते हैं। कैसा धर्म है ये, कैसा धर्म है ये इनका? सबसे बड़ा धर्म एक नेता का क्या होता है? जनता की सेवा, जनता की सुविधा, जनता का विकास। और आज तमाम भाजपा के नेता आपके मुख्यमंत्री से शुरू होकर देश के प्रधानमंत्री तक सिर्फ अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपनी सुविधाओं के बारे में, सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों के बारे में, आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों की मदद की, कोरोना फैला दिया पूरे देश में राजनीति करके। तो हम क्या करते, मैं पूछना चाहती हूँ। आपके भाई बहन सड़क पे चल के आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, कोई सुविधा नहीं थी, कोई साधन नहीं थी था, क्या हम उनको ऐसे ही छोड़ देते? तो मुझे याद है हमने कितनी जीपों का इंतजाम किया, बसों का इंतजाम किया। क्यों किया? हम राजनीति कर रहे थे क्या? हम अपना धर्म निभा रहे थे? हमारा देशवासी अकेला बड़े बड़े शहरों से पैदल अपने गांव तक आ रहा था, हमारी सरकार ने उसको भगवान भरोसे छोड़ा, हमने उसकी मदद की, राजनीति के लिए नहीं, क्योंकि हमारा धर्म था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पंजाब के बालचौर में प्रचार किया। उन्होंने चली सरकार पर जमकर हमला बोला। ये वो लोग थे जिन्होंने 1984 में दिल्ली में दंगों में अपने हाथ खून से रंगे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने मानवता का तांडव नृत्य किया था, जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया था। मैं सिख भाइयों से पूछना चाहता हूं, बताइए आपका खैर खवा कौन है? बताइए आपका रक्षक कौन है? बताइए आपके लिए किसने लड़ाई लड़ी? बताइए किसने आप माताओं के आंखों के आंसू को पोंछने की ताकत रखी? ये नरेंद्र मोदी जी है। और एक दो दिन नहीं, 30 साल बीत गए, 30 साल दंदनाते रहे, उनको जेल के पीछे डालने का काम किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये आपको याद रखना। आज हरियाणा में रोजगार कैसे आ रहा है और पंजाब में क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है? दो स्टेट अगल बगल की स्टेट है। हिमाचल में रोजगार आ रहा है, यहां क्यों नहीं आ रहा है? दो स्टेट है, एक तो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर वैसे भी रोजगार के साधन कम हो सकते हैं, लेकिन वहां भी रोजगार आ रहा है और यहां क्यों नहीं आ रहा है? यहां इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहां के नेता के नीयत में खोट है।